आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब के हर चैनल के ऊपर ईडी की रेड्स दिखाई जा रही हैं, कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी के परिवार वालों के घरों पर जो रेड हो रही है, जिसकी पुष्टि कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि जब जब चुनाव आता है, जिन जिन राज्यों में चुनाव आता है, भाजपा अपनी हार की बौखलाहट से अपनी विपक्षी पार्टियों पर इस तरह की ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी रेड चुनावी हथियार बनाकर करती रही है। इससे पहले हम लोगों ने देखा, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वहां पर बीच चुनाव में ईडी, सीबीआई, आईटी को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। हमें पूरा भरोसा है, बीच चुनाव में पंजाब में भी जो ईडी की रेड हो रही है, वो भाजपा सरकार की हार की बौखलाहट है। पहले भी कांग्रेस की चन्नी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, अपनी हार की बौखलाहट कहूं, या पंजाब की कांग्रेस सरकार के 111 दिनों के कामों में लोगों के बीच में बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ को देखते हुए कहूं, यह भाजपा की बौखलाहट ही है कि वो बीच चुनाव में ईडी को एक बार फिर से चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि भाजपा को हम इनके इस षड्यंत्र में फेल करते आए हैं, फेल करते आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी इससे पहले कोशिश की कि पंजाब के मुख्यमंत्री को बदनाम किया जाए, और वो यहां तक कह के गए कि मैं पंजाब से जिंदा लौट के जा रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का धन्यवाद कर दीजिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके उन्हें जेल डालना चाहिए। ये बौखलाहट नहीं तो क्या है कि आज पूरी की पूरी भाजपा पंजाब की सरकार और उसके मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के पीछे पड़ चुकी है। लेकिन हमें मालूम है, पंजाब की जनता पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ी हुई है। हम इस चुनावी लड़ाई को जनता के बीच में लड़ेंगे, जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करते हुए एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। भाजपा के इन हथकंडों से कांग्रेस ना डरने वाली है और ना पीछे हटने वाली है। पंजाब में तो अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन ही शुरू नहीं किया, पर भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी, जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं, मैं कई बार आपको बता चुका, उसका नाम अब बदलकर इलेक्शन डिपार्टमेंट रख दिया गया है, वो अब पंजाब में आ गया। आज जिस प्रकार से राजनीतिक बेईमानी की प्रकाष्ठा हुई, राजनीतिक बदले की प्रकाष्ठा हुई, हिंदुस्तान के इकलौते दलित गरीब मुख्यमंत्री से बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी को पंजाब भेज दिया। किसी पुराने 5 वर्ष पुराने मुकदमे में जिसका चन्नी जी या उनके परिवार से कोई लेना देना भी नहीं, उसके अंदर झूठी संलिप्तता के माध्यम से ये अपने आप में दिखाता है कि बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना गरीबों, दलितों और हिंदुस्तान के इकलौते दलित मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में धधक रही है। केस है क्या दोस्तों? केस है कि कांग्रेस की सरकार के समय 7 मार्च 2018 को एफआईआर नंबर 26 पुलिस स्टेशन राहो, जिला नवाशहर में दर्ज होती है माइनिंग एक्ट के तहत, उसके अंदर चन्नी जी के किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, चन्नी जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं, एक व्यक्ति जिसका नाम है 34 एक्यूज्ड के अंदर, उसका नाम है कुदरत दीप, चालान पेश हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है, चालान के अंदर कुदरत दीप की भूमिका ही नहीं दिखती। आज यह कहा जा रहा है कि यह कुदरत दीप की दोस्ती या जान पहचान भूपेंद्र सिंह हनी नाम के 28 साल के नौजवान से थी, वो नौजवान जो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया है। भूपेंद्र सिंह हनी सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी की साली का बेटा है, भतीजा है, पर भूपेंद्र सिंह हनी का तो कहीं एफआईआर में नाम नहीं। मैं आप सबको पत्रकार मित्रों को जानता हूं, तो कल आप में से या मुझ में से अगर कोई जुर्म कर दे तो क्या आप सब पर भी एफआईआर और ईडी की रेड हो जाएगी? यह कौन सा मापदंड और तरीका नया है? तो इसलिए जब कुछ नहीं मिला
जब राजनीतिक तौर से सारी चीजें खंगाल ली और एक गरीब दलित युवा पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो इस प्रकार के उल जलूल बेतुके और बचकाने इल्जामात लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई है।